वाटरफॉल पेरू राजू हाय राजेश, ये वाटरफॉल दिख रहा है और वो है आपका व्यू पॉइंट। वहाँ पे जीप लाइन भी बन रहा था। विष्णु अवतार मुझे ओके। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे बोगता वाटरफॉल। तो आज मेरे व्लॉग में बने रहेंगे अभिषेक और ये है संदीप और उधर है लक्ष्मी भैया। हाय कर दो, हाय कर दे अभिषेक। तो हम लोग आ रहे हैं बोगता वाटरफॉल जो कि आपको भोपालपट्टनम से 60 किलोमीटर पड़ता है। सनरूफ रहता तो निकल बना था। और दोस्तों ये बोगता वाटरफॉल जो है चेकुपल्ली नाम के गांव के पास में है और ये आपको भद्रातलम से 120 किलोमीटर पड़ता है और वरंगल से आपको 140 किलोमीटर पड़ता है। और वरंगल और भद्रातलम के लिए इंडिया के हर जगह से ट्रेन वगैरह हैं और नेशनल हाईवे भी जुड़ा हुआ है। तो ये नेशनल हाईवे के जस्ट बाजू में ही है और भोपालपट्टनम से जो भी आएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा जगह है क्योंकि इतना पास 60 किलोमीटर के अंदर में आपको इतना बढ़िया वाटरफॉल मिलता है और इसको डेवलप किया गया है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वाटरफॉल हैं काइंड ऑफ अनडिस्कवर्ड, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बहुत जटिल हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा रास्ता है, जस्ट हाईवे के पास में है। दोस्तों तो जा रहे हैं वो मेरे फ्रेंड्स है अभी। ये वाटरफॉल दिख रहा है और वो है आपका व्यू पॉइंट। तो वहाँ से आप बढ़िया चढ़कर इस शानदार वाटरफॉल का नज़ारे का बढ़िया लुफ्त उठा सकते हैं। और ये जस्ट बाजू में है टॉयलेट्स, देखिए लेडीज़ और जेंट्स लिखा हुआ है, मतलब टॉयलेट्स को भी कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो ये है तेलंगाना का खासियत, छोटा से छोटा वाटरफॉल को भी इतना अच्छा डेवलप किए हैं, पर छत्तीसगढ़ का जो इतने बड़े बड़े वाटरफॉल है। हाय कहाँ से हो अन्ना? तेलुगु एक्ड नुंची मुलुगु एट्ला अनिपिंचिंदि वाटरफॉल? चाला बागुंदि। पेरु राजु। राजु हाय राजेश, सूपर उंदा? चाला बागुंदि। ओके तो मीरु एक्कडि नुंची अन्नारु? हैदराबाद नुंची। ओके तो दोस्तों देखो हैदराबाद से भी दूर दूर से इतना अच्छा जगह देखने के लिए आ रहे हैं लोग। तो भोपालपट्टनम में इतना नज़दीक रहकर आप लोग तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आगे वीडियो में, बने रहें। तो दोस्तों जैसे कि बता चुका हूँ चेकुपल्ली नाम के गाँव में पड़ता है ये वाटरफॉल। तो ये है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के वाजेड़ू ब्लॉक में। और जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग मेडारम वगैरह विजिट करते हैं जो कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है, तो मेडारम या फिर एक लेक है बहुत बड़ा, उस लेक की ओर जाते हैं तो ये नेशनल हाईवे के जस्ट पास में है। तो इसको भी विजिट कर सकते हैं, बहुत सुंदर है। और इस सीज़न में यानी कि बरसात के जस्ट बाद या फिर बरसात के चलते हुए ये बहुत अच्छा फ्लो होता है वाटर फ्लो, काइंड ऑफ ये सीजनल वाटरफॉल है। अगर आप गर्मी में अगर आते हैं तो इतना आप उम्मीद ना करें तो अच्छा होगा, बट अगर इस सीज़न में अगर इस रूट से जाते हो आप तो ज़रूर इसको विजिट करिए, बहुत अच्छा जगह है। जैसे कि बता दिया हूँ और इधर दिखाया था कि कितना अच्छा डेवलप किया गया है। मेरे ख्याल से वहाँ पे जीप लाइन भी बन रहा था बट वो अधूरे कंस्ट्रक्शन पे ही रोक दिया गया है, उसका कारण पता नहीं। बट इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीप लाइन वगैरह होंगे, अगर ऐसे होते हैं तो बहुत अच्छा एडवेंचर होगा। तो चलो वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों हम लोग को यहीं के कर्मचारी ये भाई नवीन है, नवीन मिला है और ये जितेंद्र मिला है, हाय कर दो। तो इन्होंने बताया है कि ये बहुत पहले से यहाँ पे लोग तो आ रहे थे, लेकिन 2016 डेवलपमेंट, सो 2016 के बाद इसको बिल्ड किया गया है एक एज अ टूरिस्ट प्लेस। सो इसको तेलंगाना का गवर्नमेंट ही टेक केयर करता है ना, अच्छा तेलंगाना गवर्नमेंट ही चूज करता है इधंता। हाँ तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के टूरिज्म में ही ये आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया चेक डैम बना हुआ है, लोग यहाँ पे नहा सकते हैं, मतलब एंजॉय कर सकते हैं आप तैराकी हो तो। और व्यू पॉइंट वगैरह बना हुआ है, अभी हम वहाँ से आपको व्यू कैसे दिखता है हम दिखाएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगर आप यहां पे आते हैं तो इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ
आप यहाँ पे श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का दर्शन कर सकते हैं, जो कि भोपालपट्टनम के इस नज़दीक यानी कि छत्तीसगढ़ के जस्ट बॉर्डर पे या बॉर्डर के आसपास श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का टेम्पल कहीं नहीं है, तो ये मेरे जानकारी में एकमात्र टेम्पल है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर इस मंदिर को विज़िट कर श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का दर्शन कीजिएगा। तो चलो हम भी चलकर दर्शन कर लेते हैं। మీరు ఇక్కడ ఏంటి పూజారియా? అచ్చా విష్ణు అవతారం కదా? ఓకే, ఇక్కడ అంటే ఈ స్టాచ్యూ ఉందిగా, ఇది ఇక్కడ స్థాపించిందా లేకుంటే ఇక్కడే ఉండేదా? ఇది ఎప్పటికీ పూర్వకాలం నుంచి నిలుస్తున్నారు. ఇక్కడనే ఉన్నారా? ఇక్కడనే ఉన్నారు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. तो दोस्तों ये पुजारी जी हैं यहाँ के, तो इन्होंने बताया है कि इसको स्थापित नहीं किया गया है। इस पत्थर जो आप ये पत्थर है पहाड़ के इसमें देख रहे होंगे, तो इसी में जैसे आकृति ये नाग जी का बना हुआ है, वैसे ही श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी का भी आकृति बना हुआ था, तो उसको जस्ट एक मंदिर बनाकर यहाँ पर पूजा चालू किया गया है। ये बहुत समय से एप्पड़ नुंची नडुस्तुंदी इट्ला 30 संवत्सराल। ओके, ये 30 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, और जैसे कि बता चुका हूँ कि 2016 के बाद ही ये डेवलप किया गया है, तो ये लोगों की नज़रों में आया है ये सुंदर सा वाटरफॉल। बट एक चीज़ है, ये सीजनल वाटरफॉल कह सकते हो इसे, क्योंकि बरसात के मौसम या फिर बरसात के मौसम के जस्ट कुछ महीनों तक का यहाँ पे वाटर अच्छे से फ्लो होते रहता है, उसके बाद गर्मियों में ये पूरी तरह तो नहीं बट सूख जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ की फ़ीस पर हेड 30 रुपीज़ है, और बाइक का पार्किंग चार्ज 30 रुपीज़, और फोर व्हीलर का पार्किंग चार्ज 50 रुपीज़ है। तो ये आपको जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ से, मतलब वहाँ पे एंट्री करने से पहले ही ये चार्ज आपसे लिया जाता है। तो भाई ये वही नवीन है जो हम लोगों को मिला था, तो ये कुछ फ़ीस लेकर तो आपको ये ऊपर से व्यू पॉइंट पर ले जाएगा जहाँ से इसका नज़ारा कुछ अच्छा होगा। तो चलो देखते हैं कैसा दिखता है ऊपर से नज़ारा। तो ये वही नवीन भाई है जो हम लोग को ले जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ये ट्रैकिंग भी हो रहा है, क्योंकि ऊपर पे अगर व्यू पॉइंट पे जाना है तो 500 मीटर अप एंड 500 मीटर डाउन यानी कि 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों वो जो देख रहे हैं वो कुटिया, मतलब टावर जैसा बना हुआ है, वो है व्यू पॉइंट ऊपर से, और ये है ऊपर का नज़ारा। तो देख सकते हो आप कितना शानदार नज़ारा है। तो आपको लेक वगैरह मिलेगा वो उस एरिया पे, तो अभी हम जाएंगे उधर से भी देखेंगे। दोस्तों अगर ऊपर आओगे तो वर्थ, मतलब जितना यहाँ का प्राइस है उतना तो वर्थ लग नहीं रहा है, क्योंकि हम चारों का 400 चार्ज किया गया है यहाँ पे।
बट आप ऊपर आके एक व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, वरना 400 के लायक तो नहीं है क्योंकि नीचे ही शानदार नज़ारा था, तो ऊपर से भी काफ़ी अच्छा है। चलो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, टोटली ये वर्थ रहा। आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू? बहुत अच्छा लगा। प्लस लेकिन यहाँ गर्मी है, गर्मी की वजह से जो मज़ा आना था वो नहीं आ पाया। देखो गर्मी इसलिए क्योंकि हम लोग हो सकता है एसी में आए हैं और यहाँ पे आके सडनली धूप में, इसलिए अभी मैं वही करता हूँ, एसी बंद कर देता हूँ, बिना एसी के जाएंगे वैसे नहीं घर पर। हाँ जो घूमने आना चाहता है तो फिर अगर ये गर्मी ठंडी बरसात ये देखेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। ये तो अगर यहाँ आना है तो एक विंटर का सीजन चाहिए और ये रहने सीजन, बाकी तो गर्मी में कुछ नहीं रहता। तो दोस्तों चलो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।